नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल वेलफेयर एजुकेशन में। दोस्तों रिजल्ट आ ही गया और क्लियर हो गया यार। होना भी था यार, 70 अटेम्प्ट थे मेरे, जैसे कि मैंने एनालिसिस में आपको बताया था। और काफ़ी लोग, वो लोग पता नहीं कहाँ गए जो कह रहे थे 70 जाएगा, 65 जाएगा, 60 जाएगा कट ऑफ, क्योंकि अभी मैंने देखा है 50 वालों का भी हुआ है यार, जिसने क्यूएस के साथ 50 किए थे ना उनका भी हुआ है। अभी मेरे को बहुत बच्चे मिले 55 अटैम्प्ट वाले, 57 अटैम्प्ट, 50 अटैम्प्ट, 52 अटैम्प्ट, यहाँ तक कि एक 48 अटैम्प्ट वाला भी मिला मेरे को जिसका क्लियर है। ऑब्वियसली उसकी एक्यूरेसी अच्छी रही होगी यार, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अब मेरे साथ पॉजिटिव पॉइंट था, मैंने बताया था आपको इंग्लिश, नहीं तो यार मेरा कट मेरा भी अटैम्प्ट उतना ही रहता है, 15-10-12 अटैम्प्ट मेरे कम रहते हैं। मैं एक बार आपको अपने अटैम्प्ट भी दिखा देता हूँ, ये रहा यार मेरा अटैम्प्ट। इंग्लिश में मेरे 27 थे, इस वजह से मेरा 70 अटैम्प्ट चला गया था। बट यार फिर भी मैंने आपको बता दिया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है यार, 50 से 55 के बीच ही रहेगा। लेकिन कई लोगों ने कहा था कि यार इतना कम कट ऑफ नहीं जाने वाला है, इजी पेपर है। मैंने कहा था यार इस बार वैकेंसीज आपकी बड़ी हैं, पिछली बार के कंपैरिजन में 600-700 वैकेंसीज बढ़ी हैं, जनरल में 300-300 वैकेंसीज टोटल आपकी इंक्रीज हुई थी पिछले साल के अकॉर्डिंग। इस बार तो यार कट ऑफ ऑब्वियसली कम रहना था, तो यार पूरी तो क्लियर हो ही है। अब देखते हैं, मेंस की तैयारी तो चल ही रही है अब, लेकिन यार इतना एक्सपीरियंस हो चुका है पिछले साल से, प्री तो क्लियर हो ही जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। प्री का तो अब इतना अंदाजा लग जाता है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग भी था, बहुत सारे फैक्टर्स थे। मैंने आपको जो भी बताया था, जितने भी जो भी डिटेल्स मैंने आपको एनालिसिस के टाइम पर बताई थी, तो वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद यार कम ही जाएगा ना कट ऑफ, ज़्यादा क्यों जाएगा। और उन लोगों की मत सुनिए यार जो आपको डिमोटिवेट करते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, या जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद डिमोटिवेट करते हैं ताकि आप मेंस की भी प्रिपरेशन ना कर पाएं। उन लोगों की बात को मत सुनिए आप लोग, इतने सारे ग्रुप्स बना लेते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे, आप लोग इतने सारे ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर ग्रुप्स में कोई काम की बात नहीं होती है, वहाँ पर खाली बकवास होती है कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, और आप रिजल्ट का वेट करते करते सारा समय गंवा देते हैं। तो इतना वेट क्यों, फालतू का टाइम वेस्ट क्यों, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा ना यार, क्या टेंशन है। अगले पेपर की तैयारी करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं यार इस साल और वैकेंसीज हैं। अगर जिनका नहीं हुआ उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, होपलेस मत हो यार, अभी आपका IBPS कलर का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करो यार, इससे कुछ सीख लो। सिंपल सी बात ये है, सीखना क्या है आपको, नेगेटिव नहीं करना है ना, नेगेटिव नहीं करना है। तो यार नेगेटिव का मतलब आपको वो पावर बढ़ानी पड़ेगी। कौन सी पावर, देखिए नेगेटिव मार्किंग से बचना ही सबसे बड़ी पावर है, समझे। आपको आप गलत टिक ना करें उस पर अगर आप पावर कर लिया ना अपने, उस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना गलत टिक लगाने की हैबिट पे, तो आप सब कुछ पा जाएंगे, हर एग्जाम क्लियर होगा। एक्चुअली हम लोग उसी कंफ्यूजन में रह गए कि यार मेरा दोस्त तो यार 70 करके आया था, मैं यार 85 कर पाया, अरे चल यार इंग्लिश में 10 और मार देता हूँ, वो आपका काम खराब करता है। तो अपनी नेगेटिव मार्किंग वाली जो हैबिट है उस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, क्योंकि बैंक का एग्जाम या कोई भी नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम करने से ज्यादा छोड़ने का एग्जाम होता है, कि आप क्वेश्चंस को कितना आपके अंदर ऐसी पावर है कि आपने क्वेश्चन को देखते ही जज कर लिया कि मुझे छोड़ना है मुझे नहीं करना। अक्सर इंग्लिश में लोग यही करते हैं, आंख बंद करके चल गई, दिल पे हाथ रख के तुक्का लगा दिया, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे बचिए दोस्तों। IBPS क्लर्क का पेपर है, उस पर लग जाइए। देखिए कट ऑफ इसका बहुत ही कम गया होगा मुझे लगता है, 50-55 मैंने आपको बताया था, हो सकता है इससे भी एक दो कम गया हो, 50 से भी कम गया हो एक दो, कुछ नहीं कह सकते। एक हफ्ते के अंदर कट ऑफ आ जाएगा तो सब रिवील हो जाएगा आप लोगों के सामने। और जाना ही था यार, 42 पिछली बार गया था, 42 कट ऑफ गया था, 42.75 और वैकेंसी 37,000 थी। इस बार का पेपर मैं मानता हूँ ईजी था, लेकिन वैकेंसीज भी तो बढ़ी हैं यार, और टाइम बाउंडेशन भी तो है 20-20 मिनट का, पिछली बार वो नहीं था, तो ऑब्वियसली कट ऑफ 50 गया हुआ है तो उससे एक दो कम ही रहा होगा, तो कट ऑफ तो यार कम ही गया है। तो अभी मेंस के लिए लग जाइए, और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, IBPS क्लर्क का एग्जाम है उसके लिए तैयारी करो। अगर जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपनी व्हाट्सएप और ईमेल आईडी आपको देता हूँ हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी इश्यूज हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस, लग जाइए दोस्तों, धन्यवाद।